الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ما زلنا مع الكتاب عمدة الطالب لنيل المعارف للشيخ العلامة منصور ابن يونس بن عدريس البووتي الحنبلي رحمه الله المتوفى في القرن الحادي عشر من الهجرة इस किताब की तशरी हम देख रहे हैं राज दर्स नंबर इकतीस है और इस वक्त हम सुजूद सजूद के बाब में हैं दो दर्स इस तल्लु से गुजर चुके हैं आज सुजूद सजुदब के तल्लुक से तीसरा दर्स होगा और इसमें हम आगे बढ़ेंगे इनशा हमने पिछले हफ्ते देखा था कि सजुदब जो है ये तीन चीजों की वजह से यानी तीन चीज़ें इसका सबब बनती हैं सजुदब का एक नमाज में ज्यादती हो दूसरा कोई नक्स हो या तीसरा शक के पढ़ने पर शक के आ जाने पर तो ये तीन चीज़ों की वजह से सजुदल्सहब होता है हम अभी ज्यादा यानी नमाज में जो ज्यादा हो जाता है ज्यादती जो है उसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं और हमने देखा था कि ज्यादती या तो कौली होती है या फेली है। फेली ज्यादती जैसे बात गुजरी या तो आदमी रुकू ज्यादा कर देगा सजदा ज्यादा कर देगा या जहाँ नहीं बैठना है वहां अगर बैठ गया तो ये भी शक्ल है ज्यादा की मसला तीसरी रकात में चार रकात की नमाज थी तीसरी रकात में भी बैठ गया आदमी हालांकि उसे तीसरी रकात में खड़े हो जाना चाहिए था तो यह ज्यादती है तो ये भी ज्यादा है या इसी तरह से आदमी पांच रकात पढ़ ले ये ज्यादा है इसी तरह से एक सूरत यह भी है कि आदमी चार रकात वाली नमाज है तीन रकात में ही सलाम फेर दे ये भी ज़्यादा है ये भी ज्यादा है यानी ज्यादती की शक्ल है कोई कहेगा यहाँ तो नक्स हो गया नहीं यहाँ पर सलाम जो है जिसका मकाम नहीं था क्योंकि मैंने बताया जब हमने ज्यादती की डेफिनेशन देखी थी कि ज्यादा कहते किसको हैं तो हमने पढ़ा था कि जो उसका मकाम ना हो उस रुकन का उस अमल का अगर उसको उस जगह पर किया जाए तो ये भी ज्यादती कहलाती है तो सलाम का वो जगह नहीं थी जब सलाम किया गया यानी तीन रकात चार रकत वाली नमाज में तीसरी रकात में ही सलाम फेर लिया तो सलाम का मकाम नहीं था वो तो वो ज्यादती है सलाम एक्स्ट्रा हो गया तो ये ज्यादा है और इसका शुमार ज्यादा में ही किया जाता है इसीलिए ये भी ज्यादती की शक्ल है तो ये तीन या चार या पांच शक्लें हो सकती है ज्यादा की कोई आदमी नमाज में ज्यादती कर दे ये फेली तौर पर कौली तौर पर क्या है हमने देखा था कि आदमी इन अतुल मशरू इन फ़ैर मोदी ऐसा कौल नमाज में लेकर आए जो कि मशरू है नमाज में उसको किया जाता है लेकिन वो उसका मकाम नहीं था मसलन किरात किरात का करना नमाज में मशरू है किरात की जाती है सूरतफात आदमी पढ़ता है इसी तरह से दीगर सूर पढ़ता है तो ये मशरू है लेकिन रुकू में अगर किरात करने लगे या सजदे में किरात करने लगे तो ये मशरू है लेकिन फिर गैर मौदु है, वो उसकी जगह नहीं है वहां पर वो कर रहा है जिस तरह से रुकुआन वनः में ही रुकू में सुजूद में किरात कर रहा है या रुकू की तस्बी सुजूद में पड़ रहा है सुजूद की तस्वीर रुकू में पड़ रहा है ये भी उसका मकाम नहीं है अदला बदली हो गई तो ये जो है ये कौली जियाती है और इस चीज के लिए स, स, जो सुजूद मंदूब है यानी कि मसनू अगर आदमी करता है तो अच्छी बात है नहीं करता है तो कोई मसला नहीं है उसकी नमाज इन सही होगी सिर्फ इस हद तक इस सूरत में यहां तक हमने देख लिया था अब इससे आगे जो बात आएगी वो आएगी कि कोई आदमी नमाज को पहले खत्म कर दे मसलन चार रकात वाली है तो दो रकात में ही ख़त्म कर दे या तीन रकात में ही ख़त्म कर दे तो ये जो है सूरत आती है नमाज को सलाम से पहले कंप्लीट करना तो कहते हैं वह इन सामा कबला इतमाम बतलत अगर कोई आदमी नम, सलाम फेर दे उस नमाज के पूरा होने से पहले चार रकात वाली नमाज है तीन रकात में ही सलाम फेर दे अगर आमदन जानबूझ करके ऐसा करता है तो, तो उसकी नमाज बातिल हो गई खराब हो गई लेकिन वसाहवन अगर वो भूल करके ऐसा करता है जैसा कि हो जाता है कई मरतबा कि आदमी तीसरी रकात में सलाम फेर दे या दूसरी रकात में सलाम फेर दे जैसा कि बात गुजरी है नबी वसल्लम के साथ ये वाकया पेश आया था हज़रत अबू हुरेरा रजी हदीस के रावी हैं और बात गुजरी थी हदीसल्यादीन के उसमें नबीम ने जहर असर की नमाज थी चार की जगह दो रक़त में सलाम फेर दिया आ, सब लोग खामोश थे दैन उनके पास जाते हैं नबी वसल्लम के पास और कहते हैं कि आ, आम नसीत कि, क्या, क्या नमाज कम कर दी गई है या आप भूल गए तो आप स्लाथ 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 ने फरमाया कि ना तो मैं भूला हूँ ना नमाज कम की गई है तो आप कहते हैं कि बल अंता नसीता नहीं आप ज़रूर भूल गए क्योंकि तबलीग पे तो नबी वसल्लम के सवाल नहीं उठाया जा सकता कि आप जानते बूझते किसी बात को छुपा लें तो सहाबी ने ये नहीं कहा कि नहीं नमाज कम हो गई होगी शायद नहीं ये नहीं कह सकते उन्होंने क्या कहा बल अंत नसीता मगर आप भूल गए फिर आप नबी वसल्लम मुखातिब हुए जितने भी अब बैठे थे कहते हैं कि अहक क्या ये बात सही है जो ये जो सहाबी जो फरमा रहे हैं क्या ये बात सही है कहते हैं कि नाम वो सही है उसके बाद में जो है आपने जो बची हुई दो रकातें थी उसको अदा किया और वाज तौर पर वहाँ पर बात आई है कि नबी वसल्लम ने पहले तशहुद पढ़ा उसके बाद में सलाम फेरा उसके बाद में दो सजदे की उसके बाद में फिर से सलाम किया तो ये तरीका उस वक्त के जब आप सलाम दें नमाज के यानी उसके मुकम्मल होने से पहले उसके आमदन तो बतलत वह अगर भूल के वो करते हैं वजरा करीब और करीब बिल्कुल आ, कम वक्त में यानी ज्यादा वक्त ना गुजरे और जल्दी से याद आ जाए जैसा कि इस जगह पर हुआ कि फौरन जो अब थे नबीम के, के वो साहब ही गए नमाज पढ़ा दी तवील आदमी मस्जिद से बाहर चला गया या मुहदिस हो गया अः उसका वो टूट गया किसी वजह से तो फिर इस सूरत में यह आदमी पूरी नमाज फिर से इसको दोहरानी पड़ेगी अगर ऐसा वक्त ज्यादा गुजर जाता है तो कहते हैं वक़्त करीबन और बिल्कुल करीब वक्त में पता चल जाए दो तीन चार पाँच मिनट के अंदर पता चल जाता है अतम महा तो फिर वो क्या करेगा बची हुई नमाज को उसको पूरी करेगा दो रकात बची है तो दो एक बची है तो एक जैसा भी मामला है वह सजद और उसके बाद में वो जो है सुजूद साहु करेगा सलाम फेरने के बाद सलाम फेरेंगे फिर सुजूद साहु करेंगे उसके बाद फिर से सलाम फेर देंगे उसी ये यहाँ पर आगे जो एक बात गुजरी है व इन अता बउुल मशरून के कोई आदमी को, कोई कौल मशरू है जो कि नमाज में किया जाता है वो किसी दूसरी जगह पर उसको कर अब तो जो बाद में जो यहाँ पे आखिर में लाइन आ रही है तकल्लामा होना औुल ये जो पूरा कलाम आ रहा है असल में इस चीज के लिए आ रहा है कि कोई आदमी नमाज में कोई ऐसी बात कहे जो कौल मशरू में से नहीं है और कम से कम दो हर्फ पर वो चीज़ मबनी हो तो फिर उस सूरत में आदमी की नमाज खराब हो जाती है यानी कोई भी कलाम करना नमाज में जो कि मशरू ना हो अगर आदमी वैसा कलाम करता है तो उसकी नमाज खराब हो जाती है बिला हाजा यानी बग़ैर हाजत के अगर ऐसा मसलन कोई हाजत है यहाँ तक उल्मा कहते है कि अगर इमाम से कोई गलती हो रही है नमाज में मसलन सुबहान कहने के बाद भी इमाम नई जो है ध्यान दे पा रहे हैं कि लोग क्यों सुबहान अल्लाह कह रहे हैं मसलन तीसरी रकात में या चौथी रकात के में, के बाद भी इमाम अगर खड़े होते हैं पांचवी रकात के लिए और पीछे से लोग सुबह अल्लाह सुबहान अल्लाह कहते हैं कि ये चौथी रकात है उनकी तम्बी करने के लिए ध्यान खींचने के लिए लेकिन इमाम अगर उस चीज पर नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्यों सुबहान अल्लाह कह रहे हैं तो उस सूरत में ये कलाम करना भी जायज है कि ये चौथी रकात है ये हम चौथी हम पांचवी रकात में जा रहे हैं हम चौथी रकात में है इस तरह से कलाम करना जायज है इससे नमाज खराब नहीं होती क्यों क्योंकि हाजत ज़रूरत है इमाम साहब नहीं सुन पा रहे हैं या इमाम साहब नहीं समझ पा रहे हैं अल्लाह कहने की वैसे कि किस वजह से कहा जा रहा है तो उस सूरत में इस तरह से कलाम करना भी इससे नमाज खराब नहीं होती उसके अलावा जितना भी कलाम आदमी अगर नमाज में करता है अगर चाहे कि वो उफ उफ अगर कह देता है नमाज में वो भी छीक आती है अलहमदिल्ला कहता है इसकी वजह से भी तनह नहा ये तनह नहा जो है इस तरह से कहना जिसमें हमजा और हा की आवाज़ आती है ये भी कहने से जो है नमाज खराब हो जाती है अगर बिला हाजत करता है इस तरह की आवाजें या उफ करता है या इस तरह से करता है जिसमें हमजा और हा की आवाज़ है नफखा जिसमें उफ कहते हैं ये हमजा और फा की आवाज है उसको नफखा कहा जाता है ता नह नहा ये जो है इस तरह से करना बिला हाजत के बगैर ज़रूरत के तो ये सारी चीजें जहाँ पर दो हर्फ पता चले कि दो हर्फ है इस आवाज में क्यों दो हर्फ किस लिए क्योंकि लियना हो ये जो है मुंदरिज फिल कलाम इसका जो शुमार है कलाम में हो जाता है फिर और अजबा अमिन कलाम फिर सलाद और ये ऐसा हो जाएगा जैसे नमाज में बात की जा रही है और नमाज में अगर बात की जाएगी तो फिर ये नमाज को ख़राब कर देगी क्यों क्योंकि तकबीर तहरीमा में जब हमने अल्लाह अकबर कहा तो हर वो चीज़ जो तकबीर तहरीमा से पहले हलाल थी वो सब की सब अब हराम हो गई और वो नमाज भी अगर गलत हो जाएगी बातिल हो जाएगी ख़राब हो जाएगी अगर आदमी इसमें बाकी रहता है इस तरह से करता है नमाज में कलाम या ऐसी कोई चीज़ें जिसका जिक्र गुजरा तो ये नमाज को ख़राब कर देती है अब इससे पहले कि हम यहाँ से आगे बढ़े एक वीडियो बनाया है मैंने जो वीडियो में शेयर कर देता हूँ जिससे पता चलेगा कि नमाज से पहले सलाम कैसे होता है नमाज के बाद सलाम कैसे होता है और ज्यादती नक्श के ताल्लुक से कुछ चीज़ें जो अब आएंगी वो भी मैं वीडियो में इनशाला दिखा देता हूँ ताकि मुमकिन है कि समझने में आसानी हो जाए एक कोशिश की है देखते हैं कितना जो है फायदेमंद साबित होती है वीडियो शेयर कर रहा हूं ये स्क्रीन पर दिख रहा है वीडियो नजर आ रहा है स्क्रीन पर जी नजर आ रहा है ठीक है इसको मैं ऑन कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखें मैं यहां पर जहां जरूरत है वहां बोलते जाऊंगा ये सलाम के बाद सुजूद साहू कैसे होता है अब ये सलाम से पहले सुजूद साहु ये सलाम से पहले अब एक बात अभी आएगी अब हम जब आगे पढ़ेंगे नक्स अभी हमने ज्यादा के ताल्लुक से देखा था ज्यादा का बयान मैंने बता दिया कि मसलन आदमी पांच रकात नमाज अदा कर ले या इसी तरह से जो है कोई सजदा ज्यादा कर दे या कोई रुकू ज्यादा हो जाए एक की जगह दो रुकू कर दे एक नमाज में तीन की दो की जगह तीन सजदे कर दे या जहां नहीं बैठना था वहां पर भी आदमी बैठ जाए तो उस सूरत में यह ज्यादा कहलाएगा ये नमाज़ में ज्यादा हो गया ज्यादती हो गई तो ज्यादती की शक्ल है ज्यादती की शक्ल में हमेशा जो सलाम होगा यानी सुजूद सजूद आबादी करेगा सुजूद सहव, ये सलाम के बाद करेगा ज्यादती में जैसे कि बात गुजरी है हमने पढ़ा भी था कि इमाम अहमद इब्न हम्बल के नज़दीक भी नक्स के लिए कबल सलाम और ज्यादा के लिए बाद सलाम तो यहाँ पर भी जो ज्यादा होगा उसके लिए सलाम इसमें शेख उस रहीम की एक बहुत अच्छी छोटी सी एक बुकलेट है एक किताब है रिसाला फ़ी सजुदाह ये आप सात आठ या नौ पेज का रिसाला था जिसको मैंने भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है अरबी इबारतों के साथ मौजूद है वो उसको ट्रांसलेट किया था अरबी से इंग्लिश में उसमें दलीलें भी मौजूद हैं हर एक की कि किस वक्त पहले और किस वक्त बाद में करना है और उसकी दलील क्या है तो वो अलहमद वो हदीसें मौजूद हैं जिसकी तखरीज के साथ मैंने उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की है अतल तो उसमें यह चीज़ मौजूद है और उसी में अब जो बात आएगी अगली बात जैसे कि गुजरी है अब नक्स की बात यहाँ पर आने वाली है जो किताब हम पढ़ रहे हैं नक्स और शक ये दो चीजें आएगी नक्स जो है दो तरह से होता है एक तो नक्स रुकन में हो मसला जो चौदह अरकान है नमाज के उसमें से अगर कोई छूट जाए तो यह नक्श है मसला आदमी रुकू करना भूल जाए या इसी तरह से रुकू के बाद एहतदाल वापस जो खड़ा होता है आदमी वो भूल जाए या सजदा एक भूल जाए तो ये सारे जो है या रुकन कोई भी हो सकता है जितने हमने चौदह पढ़े हैं उसमें से कोई भी अगर वो भूल जाए तो ये नक्स है रुकन में तो इसमें जो है जो सूरतें बनती हैं कि आदमी के भूलने का क्या मामला है वो कब उसको याद आता है उसके हिसाब से जो है मामला होगा तो ये पहला जिक्र उसी का यहाँ पे आ रहा है कि नक्स अगर हो जाए रुकन में तो क्या मामला है इसी तरह से नक्स होगा वाजिबात में भी नक्स हो सकता है और वाजिबात आठ है जैसा हमने देखा था अगर आदमी उनमें से किसी एक को छोड़ देता है मसलन तशहद अव्वल जैसे हमने देखा सबसे वाजे अगर कोई वाजिबात में से है नमाज की तो वो तशहद अव्वल है बाकी सारी चीज़ें तो आदमी खुद करता है यानी सुबहान रबी अल कहना है सुबह अजीम कहना है रबली कहना है तकबीरतुल इंतकाल है ये सारी चीज़ें तो ज़ाहिर तौर पर पता नहीं चलती हैं लेकिन जो पहला तशहुद है ये बिल्कुल वाजह है आदमी को नजर आता है अगर छूट जाए तो अगर इमाम से छूट जाए तो पता चलता है कि हाँ छूट गया तो ये सबसे वाजह तौर पर जो है एक वाजिबात में से है नमाज की तो मसला किसी का तशहद अव्वल अगर छूट गया तो ये जो है नक्स है वाजिबात में इसका मामला क्या होता है उसको भी इनशाला यहाँ पे कवर किया तो है तो बस दो चीजें हैं जिसको यहाँ पर दिखाया है नीचे थोड़ा सा जो है यहाँ पे सब जैसा कुछ नजर आ रहा है उसमें लिखा भी हुआ है अब ये जो बात यहाँ आ रही है नक्श है रुकन में और मसलन यहां पर जो बताया है वो ये कि आदमी रुकू तो कर रहा है लेकिन रुकू के बाद खड़ा होना भूल गया और डायरेक्ट रुकू से ही सजदे में चला गया अब ये उसको याद कब आता है उसके ऊपर है अब ये देखें यहाँ पे ये रुकू किया और रुकू के बाद खड़े नहीं होंगे ये चले गए सजदे में ये दो सजदे किए और उसके बाद अगली रकात के लिए खड़े हो गए अब याद कब आ रहा है जब अगले रुकू में अगले अगली रकात में जाकर के किराज शुरू कर दी फातिहा की जब इस मकाम पर याद आता है कि आदमी अगली रकात में फातिहा की किराज शुरू कर देता है अगर इंसान तो उसकी जो पहले वाली रकात थी वो अब नहीं मानी जाएगी उसको नहीं गिनेंगे वो कहते हैं कि ये जो रकात है ये इसकी खत्म हो गई जायल हो गई अब वो जीरो है अब ये जो रकात है ये पहली मानी जाएगी अगर वो मसलन वो पहली थी तो अब वो पहली नहीं मानी जाएगी क्यों क्योंकि उसमें एक रुकन छूट गया तो अब वो रकात नहीं मानी जाएगी ये जो रकात है जो कि असल में दूसरी थी अब ये पहली हो जाएगी उसकी जगह ले लेगी ले और इसको एक मान करके आदमी नमाज पूरी करेगा और इसके बाद में सुजूद सहू करेगा कब सलाम के बाद सलाम के बाद इस मकाम पर सुजूद सहू किया जाता है अब देखें कि ये तो हो गया आपका अगली रकात में याद आ रहा है अब ये अगला आ गया है ये भी नक्श है रुकन में लेकिन उसी रकात में याद आ जाएगा सेम चीज होगी रुकू करके सीधे चले गए सजदे में लेकिन दूसरे सजदे के बाद याद आ गया तो फौरन खड़े हो जाएंगे और वापस चले जाएंगे उसी पोजीशन में रुकू वाली ये रुकू की पोजीशन में चले गए क्यों क्योंकि यहीं पे छूटा था थातेदाल छूट गया था एतदाल जो है रुकू से उठने के बाद तो एतदाल है ये रुकन है नमाज का तो वापस से रुकू की पोजीशन में जाएंगे सुबह रब्बी अज़ीम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हम पढ़ चुके थे लेकिन रुकू की पोजीशन में जाएंगे और वहां से अतदाल करेंगे खड़े होंगे ये खड़े हो गए और इसके बाद नमाज को अपने तरीके से मुकम्मल करेंगे और इस जगह पर आखिर में जाकर के सदूर साहू इस जगह होगा तो ये जो है दूसरी चीज थी कि नक्स हो रुकन में लेकिन याद आ जाए उसी रकात में तो उस रकात में याद जब आ जाएगा तो फौरन उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहां पर हमने हमसे गलती हुई थी जहां पर हमसे नक्स पेश आया था उस जगह पर जाकर के बाकी की नमाज को कामिल किया जाएगा पूरा किया जाएगा अब तीसरी चीज यहाँ पे आएगी अब तीसरी आएगी ये है अब नक्स है वाजिबात में वाजिबात में कोई नक्स हो जाए तो क्या है उस चीज का जिक्र यहाँ पे आ रहा है ये पहला तशाह के ताल्लुक से यहाँ बताया जा रहा है सजदा करके बैठे हैं, पहला तशाह है और भूल करके उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये दूसरा सजदा है और अब यह उठने की कोशिश लेकिन बैठ गए पीछे से किसी ने अल्लाह कह दिया इमाम साहब को ये उठे नहीं अभी जगह पर ही हैं इस सूरत में कोई सजद साहू नहीं है क्योंकि फौरन याद आ गया अभी उठना शुरू भी नहीं किया था याद आ गया इस सूरत में कोई सजदे साहू नहीं है यह नक्स है वाजिबात में क्यों क्योंकि पहला तशहुद वाजिबात में से उठने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं उठे पीछे से अल्लाह कह दिया एकदम याद आ गया बैठ गए कोई सजदे साहू इस सूरत के लिए नहीं है अब ये अगली सूरत आ गई है ये भी सेम तशहद के ताल्लुक से ही है नक्स वाजिबात में लेकिन यहां पर ये खड़े होंगे लेकिन पूरे खड़े नहीं होंगे थोड़ी सी उठना शुरू करेंगे और याद आ जाएगा ये पूरे खड़े नहीं हुए पूरे खड़े नहीं हुए उस सूरत में एकदम याद आ जाता है फौरन बैठेंगे लेकिन इस सूरत में सजदे सहो करना पड़ेगा इस सूरत में सजदे सहो करना पड़ेगा और इस सूरत में भी सजदे सहो बाद में होगा सलाम के और ये तशहद पढ़ के फिर आगे बढ़ जाएंगे अब ये तीसरी सूरत आ गई है यहां पर भी ये दो सजदे हुए और अब ये खड़े हो जाएंगे भूल गए तशहद अव्वल खड़े हो गए और बिल्कुल सीधे खड़े होने के बाद याद आएगा तो ये फिर से बैठ गए ये जो सिचुएशन है कि आदमी उस वक्त याद आए जब वो पूरा सीधा खड़ा हो चुका हो तो वहां से लौट करके आना मकरू है वहां से लौट करके आना मकरू है अगर कोई लौट करके आता है तो उसकी नमाज सही होगी लेकिन ये मकरू है नापसंदीदा है फिर उसको चाहिए कि वो कंटिन्यू कर ले अगर खड़ा हो गया है तो पूरा स्ट्रेट खड़ा हो गया है तो उसकी कमर अगर झुकी हुई है जब तक तब तक मसला नहीं है लेकिन अगर बिल्कुल स्ट्रेट कमर हो चुकी है और खड़ा हो गया है आदमी तो उसे चाहिए कि वो लौट के ना आए ऐसा करना मकरू है से यानी नमाज तो सही होगी उसकी नमाज पे फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन ये मकरू है नापसंदीदा है बेहतर है कि वो आदमी अगर सीधा खड़ा हो चुका है तो फिर वो अगले रुकने की तरफ बढ़ जाए और इस छूटे हुए तशहद के लिए आखिर में सजदे सा करेगा वापस लौटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एक फ़ायदा पढ़ा था कि ला रुकन लिया ही वाजिबन के आदमी को रुकन आदमी नहीं छोड़ सकता वाजिब को पूरा करने के लिए ये तशहद अव्वल रुकन तशहद अव्वल वाजिब है और उसके बाद का खड़ा होकर करना सूरत फातिहा का ये रुकन है तो रुक्न को छोड़ करके यानी रुकन को छोड़ देना वाजिब को हासिल करने के लिए ये दुरुस्त नहीं है ये नहीं किया जाएगा तो इसीलिए इसको ने नापसंदीदा कहा इस वाली सिचुएशन को कि आदमी पूरा सीधा खड़ा हो जाए तशहद अव्वल के बाद बिना तशहद अव्वल किए सीधा खड़ा हो जाए और उसके बाद फिर एकदम से लौटे ये नापसंदीदा करार दिया है इसको ये मकर है लेकिन अगर कोई करता है तो उसकी नमाज सही है तो ये उसी चीज को यहाँ पर बयान किया है ये बैठ गए तशहद पड़ा ऊपर अब ये चौथी सूरत है यहाँ पर याद आएगा फातिहा की किरात के बाद अगले रकात की तो इस सूरत में हर हमें वापस लौटना आदमी नहीं लौटेगा वापस किसी भी सूरत में अव्वल छूट गया छूट गया इसकी दलील भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजूद है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशाद अव्वल छूट गया था और किरात शुरू कर दी थी तो अब जो थे आपके पीछे वो भी नहीं बैठे वो भी खड़े हो गए आपके साथ में और उसके बाद जब नमाज पूरी हुई तो सब उम्मीद कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सलाम फेरेंगे लेकिन सलाम फेरने से पहले आपने दो सजदे किए उसके बाद सलाम फेरा तो ये भी वाजे दलील मौजूद है या उसी की सूरत है यहाँ पर कि नक्स है वाजिबात में बादा शुरू इल किराती लेकिन याद कब आता है किरात शुरू करने के बाद यानी सूरतुल फातिहा के किरात शुरू करने के बाद याद आता है ये अब नहीं लौटेंगे सूरत में लौटना दुरुस्त नहीं है तो ये सूरते जो है ये तकरीबन सारी सूरते इस किताब में जो हैं उसको कवर करने की कोशिश की है जिससे कि समझने में आसान हो जाए अब जो अगला फसल है ये उसी के ताल्लुक से है पहला जो दो सत्र यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये पहली लाइन और दूसरी लाइन, ये जो है, नक्स है रुकन में वह इन तरह का रुकन कराहरा उतरू को रुकन ये वही चीज बयान की जा रही जो अभी हमने कहा था कि अगर एक कोई आदमी किसी रुकन को छोड़ देता है भूल करके जानबूझ करके नहीं जानबूझ करके छोड़ देता है तो वो तो बात ही नहीं हो रही नमाज खराब हो जाएगी खत्म हो जाएगी फिर वो भूल करके अगर कोई आदमी किसी रुकन को तर्क कर देता है फजक रहू बाद शुरू ही फिर नुखरा और उससे याद कब आता है अगली रकात की किरात शुरू कर देने फातिहा पढ़ना उसने शुरू कर दी अगली रकात में उसके बाद याद आता है कि आगे मैंने जो है सजदा भूल गया या रुक, रुको भूल गया तो वो कब याद आता है सूरत की किरात के बाद तो फिर उस सूरत में उसका वो जो रुकन था वो जो छोड़ा हुआ रुकन था वो बातिल हो गया इसका मतलब क्या है कि वो रकात उसकी अब नहीं गिनी जाएगी जिस रक़ात में अब वो दूसरी रकात में खड़ा हुआ है अब वो उसका मकाम ले लेगी और वही मान मसलन पहली थी दूसरी थी तो वो पहली हो जाएगी तीसरी थी तो दूसरी हो जाएगी इस तरह से उसको माना जाएगा वह ही या उर्दू और अगर उससे पहले याद आ जाए यानी किरात करने से पहले कबलाती उख़रा अगर उसके पहले उसको याद आ जाता है फयाती भी ही तो फिर वो क्या करेगा फ़ौरन लौट जाएगा अपने उस मुकाम पे जैसा कि वीडियो में देखा था अगर याद आ गया जैसे ही याद आया फौरन वापस लौट जाएगा उस पोजिशन में जिस पोजिशन जो उसकी छूटी थी जो रुकन छूटा था वहां पहुंच जाएगा फयाती बिही वही मबादा और उसके बाद जो कुछ भी था वो सब वो फिर से अदा करेगा मसला रुकू के बाद का अतदाल छूट गया था तो फौरन रुकू वाली पोजीशन में जाएगा आदमी फिर उसके बाद सीधा खड़ा होगा उसके बाद में दो सजदे करेगा उसके बाद में अगली रकात में जाएगा और कहते हैं तीसरी बाद बाद सलाम सलाम अगर उसे सलाम के बाद याद आता है ये कि उसने भाई पहली रकात में एक रुकू छूट गया था या कोई रुकन में से कोई कोई अरकान में से कोई रुकन छूट गया था अगर सलाम के बाद याद आता है तो ये ऐसा है जैसे फकतर की रकातिन ऐसा है कि जैसे एक रकात छूट गई है उसकी तो फिर इसका मामला वैसा होगा जिसकी जिसने जो है एक पूरी रकात छोड़ दिया जिसने जो है आ, सलाम नमाज के इतमाम से पहले फेर दिया जिसका जिक्र आगे गुजरा है इसका मामला उस तरह से हो जाएगा मसलन चार रकात वाली नमाज थी ये भूल गया इसने चार ही रकात अदा की पहली रकात में मसलन उसने रुकू छोड़ दिया था और याद आता है सलाम के बाद जोहर की नमाज चार रकात पढ़ी सलाम फेरने के बाद याद आता है पहली रकात में सजदा नहीं किया था तो अब इसकी कितनी रकात हुई तीन ही हुई यानी तीन रकात पे सलाम फेर दिया एक बची है यह आदमी एक रकात अदा करेगा उसके बाद में यह आदमी जो है सलाम के बाद दो सजदे सहू करेगा और उसके बाद में फिर सलाम करके इसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी उसी चीज को बयान किया है उसके बाद अगली दो सत्रे जो है ये वाली दोनों व इन नसीयत तशाह ये जो है उसका जिक्र हो रहा है कि वह इन तरह का वजीवन पहला व इन तरह का रुकनन रुकन छोड़ दे तो क्या मामला है यहाँ पर अगर वाजिबात में से कोई चीज छोड़ दे तो क्या मामला है उसका जिक्र है और यहाँ पे तशहद अव्वल का इसलिए जिक्र है क्योंकि ये सबसे अहदा है सबसे वाजह है वाजिबात में से जो कि आदमी को नजर आता है अगर छूट जाए तो इमाम से कहते हैं इन लजिमा हूँ ये चारों सूरतें यहाँ बयान हो जाएंगी लजीमा हूँ अं कबलाम अं एक आदमी तशहद अव्वल भूल गया तो उसके ऊपर लौटना लाजिम है किस वक्त जब तक के वो बिल्कुल सीधा खड़ा ना हो जाए उस उस वक्त तक उस, उसको चाहिए कि वो फौरी तौर पर लौट जाए जैसे कि हमने वो सूरतों में देखा जब तक के बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं होता है तब तक उसके लिए लौटना है ये जरूरी है लाजिम है उसके लिए कि वो लौट जाए तशद अव्वल पढ़ने के लिए जब तक कि उसकी कमर सीधी नहीं हो जाती और पूरा सीधा खड़ा नहीं हो जाता है ये उसी को बयान की है पहली चीज वी बाधा मकरू है पूरा सीधा खड़े होने के बाद वापस लौट करके जाना या मकरू है लेकिन अगर आदमी ये करता है तो इससे इसकी नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ा नमाज सही होगी लेकिन ये मकरू ऐसा नहीं करना चाहिए उसको वह हर उमा शरा फीराती वत और हराम है अगर ये आदमी अगली रकात की किरात शुरू हो जाने के बाद लौटता है तशुद अव्वल में मसलन खड़ा हो गया पूरी तरह से उसके बाद सूरत अफातिया पढ़नी शुरू भी कर दी अगली रकात के लिए और एकदम याद आता है अरे वो मैंने तशूद भूल गया था मैं लौट जाऊँ अगर वो लौटता है तो उस सूरत में बतौलत

या उसके वजह से अः है या भूल गया मसलन के सुबहना रबी नहीं पढ़ा सुबहान अलाजीम नहीं पढ़ा नमाज में आदमी भूल गया और उसको याद आता है कब एदाल के बाद मसलन पहला सजदा कर लिया और उसके बाद उठ के बैठ गया अभी सूरत पे इस जगह पे याद आता है तो इसके लिए भी ये नहीं है कि वो वहां से लौट करके वापस जाकर वो पढ़े क्यों क्योंकि हमने कायदा पढ़ लिया लु तरकु रुकन लियाजहब या तिबी ही वाजिबन क्योंकि अतदाल सजदे के बाद बैठना यानी जुलूस दो सजदों के दरमियान का और अतदाल उससे उठना ये एतदाल जो है ये रुकन है सजदे के बाद एतदाल रुकन है इसी तरह से रुकू के बाद एतदाल ये भी रुकन है तो उस रुकन के लिए यानी उस वाजिब के लिए जो छूट गया तस्बी सुहान रबीजीम या सुबह रबी ये दोनों तस्बीहात क्या है वाजिबात में से अब आदमी अगर पढ़ना भूल गया सजदे में या रुकू में तो फिर एक बार एतदाल सीधा बैठ गया या सीधा खड़ा हो गया रुकू के बाद या सजदे के बाद सीधा बैठ गया तो उसके बाद अब इसके लिए ये सही नहीं है कि वापस लौट करके पहला सजदा करे और उसमें जो है तस्वीर वापस से पड़े जो छूट गया छूट गया वाजिबात में से जो छूट गया वो छूट गया अब इसके लिए आखिर में सजदे साहू करेगा ये आदमी और उसके बाद में कबल सलाम वो सजुद साहू करके सलाम फेर लेगा तो यही कह रहे हैं कि वर्जी उली तस्बी ही रुको व सजुद ही कबला एतदाल

वाजिबात में हो सबके लिए और ये इसके लिए भी जो भी जिक्र किया है इन सभी सूरतों के लिए सुजूद है उस आदमी के ऊपर ये चीज को यहाँ बयान किया अब इसको हम यहीं पे रोक देते हैं तकरीबन छह मिनट बचे हैं इसके बाद शक का बयान है थोड़ा सा वक्त उसमें हम इनशा कल गुजारेंगे थोड़ा सा रिपीट करने के बाद रिपीट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम गुजारेंगे इसी में वक्त और फिर इनशाला सजद साहू का बयान कम्प्लीट करेंगे और अगर कोई सवाल है जैसे हमने कहा था पहले तो वो सवाल जब भिजवा देंगे सजद साहू के तल्लुक़ से जो भी सिचुएशन हैं अगर याद आती हैं तो इन श्रा मुमकिन हुआ तो एक आध दो वीडियो उस पर भी बनाएंगे ताकि पूरी तरह से जो शक है सज साहू के वो मिट जाएँ और हम सही तरह से अपनी नमाजों को अदा कर सकें यहाँ तक कि ये पता चल जाए कि कब हमको जो है सजदा साहू करना है कब नहीं करना है किस चीज़ के लिए करना है कब पहले करना है कब बाद में करना है इन वो बातें वाजे हो जाएं इसके लिए कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाए इसको आज यहीं रोकते हैं सुबह नकल्ला हमदी का शदूल अंताबिल्ख अलगम